फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को मेरा। सुबह सुबह सारी गृहिणियों की एक ही समस्या कि लंच टिफिन बच्चों का या सुबह नाश्ता क्या बनाएं। तो आज मेरे बच्चों की फरमाइश चावल की सिंपल खीर की आई थी, तो मैं बना रही हूँ। मुझे लगा आप लोगों के संग शेयर करूँ। ये मैंने 1 लीटर दूध उबालने के लिए लगा दिया है और ये मैंने चावल भिगोए हुए हैं। वैसे सूखे चावल का भी बनाते हैं लेकिन भिगो के खीर बहुत जल्दी बनती है। अभी तो मैंने इन्हें 5 मिनट तक भिगो के रख लिया है। इसके बाद इनको 5 मिनट पानी निखार के इन्हें सुखाने हम लगा देंगे थोड़ा सा। सो फ्रेंड, इस तरीके से देख सकते हैं आप, 5 मिनट इन चावल को मैंने भिगोने लगाया था और 5 मिनट के बाद पानी पूरा निखार के इन्हें थोड़ा सा मैंने सुखाने लगा दिया है। इसके बाद ये चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे। इधर मेरा दूध उबल रहा है, 10 मिनट तक का दूध को ये मेरा, क्योंकि गाय का दूध है, वो पकते पकते आधा हो चुका है। 1 लीटर दूध में सिर्फ आधा कप चावल डाल के बहुत अच्छी खीर बनती है, बहुत गाढ़ी, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और दिखाती हूँ आपको मैं पूरी जब बन जाती है। सो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए दूध को उबलते हुए। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। ये देखिए, चावल पहले से फूले रहते हैं तो खीर बहुत जल्दी बनती है। सुबह नाश्ते के लिए हमारा बहुत सारा काम रहता है, तो तब तक चावल भिगाने रख दीजिए और दूध उबालने रख दीजिए, तो बहुत जल्दी 5 मिनट में खीर बन जाती है। तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी, 1 चम्मच घी, और इसको 5 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और अगर घर के चावल की खीर में अगर इलायची पाउडर हो तो क्या कहने, मेरे पास पाउडर नहीं था, तो क्रश करके मैं 2 इलायची डालूँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए 5 मिनट के बाद इतनी अच्छी प्यारी सी गाढ़ी गाढ़ी खीर बन चुकी है। और खीर बनाते टाइम हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गैस हमेशा बिल्कुल 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 ही लो फ्लेम पर हो। तो अब इसमें बारी आती है, बस हमने गैस बंद कर दी है, अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और ऑप्शनल है, आप ये पसंद हो तो डाल सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन मुझे भी पसंद नहीं है वैसे घर की सिंपल खीर में ड्राई फ्रूट्स, लेकिन मेरे बेबीज लोगों को बहुत पसंद है। तो कद्दूकस किया हुआ नारियल, और ये देखिए बहुत प्यारी खीर बनी हुई है। और इसी खीर को हम दूसरे तरीके से भी बनाते हैं फ्रेंड्स। हमने दूध गर्म करने अलग पैन में रख दिया और उसके बाद चावल भिगो के रख दिए। चावल अगर भीग जाएँ तो दूसरा पैन लेके हम उन्हें, उसमें अगर उन चावल को घी में अगर फ्राई कर लें तो फिर इसी तरीके से खीर बनाने से भी बहुत टेस्टी खीर बनती है। तो अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि खीर आखिर बनी कैसी है। सो फ्रेंड्स, देखिए मज़ेदार सुबह का नाश्ता बच्चों का और लंच, बहुत अच्छी खीर बनी है, बहुत प्यारा कलर। ये देखिए, तो अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो ये लग चुका है बेबीज लोगों का नाश्ता, पूछते हैं कि कैसा बना। तो बेबीज लोगों का खाने का शुरू हो गया, गर्मा गर्म पराठे के संग गरम गरम खीर। हेलो, अभी भी नींद आ रही है क्या? कैसी बनी है खीर आपकी? अरे
बोल दो यार, इतने मेहनत से बनाई है। पैसे है बहुत हैं, बोलो बोलो। तो बच्चों का हो रहा है नाश्ता और मेरा घर इतना प्यारा हो रहा है। इसके बाद हमारा काम शुरू होता है। ये देखिए, आ हा हा हा, मज़ा आ गया। ये हो चुका है बच्चों का टिफिन तैयार। आप बच्चों को बोलते हैं बाय। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा, चलिए चलिए, बाय बाय बाय। ये हमारे बच्चों की बस।